जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हो टेक सॉल्यूशन और मैं हूं सुनील। आज के इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को स्लाइड करके शट डाउन कर सकते हो। कुछ इस तरीके से जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेम इसी प्रकार से आप अपने कंप्यूटर को स्लाइड करके भी शट डाउन कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो अपने कंप्यूटर को स्लाइड करके शट डाउन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पर विंडो प्लस आर की प्रेस करना होगा और यहाँ पर आपको जस्ट ये कमांड टाइप कर देना है, स्लाइड टू शट डाउन। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जो कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ स्लाइड होता रहेगा और ये ऊपर भी जाता रहेगा। जैसे आप इसे पकड़ के नीचे खींच दोगे ये शट डाउन हो जाएगा। हालांकि अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी आपको और भी ट्रिक्स बताने, जिसे ऊपर कर देते हैं ये हट जाएगा। उसके बाद हम अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम अपने विंडोज को एक शॉर्टकट की हेल्प से करेंगे, जो कि हम एक यहाँ पर एक बटन जैसा क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से हम करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको न्यू में जाना है और शॉर्टकट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा स्लाइड टू शट डाउन .exe। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बटन रख सकते हो, स्लाइड टू शट डाउन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको फिनिश पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे आइकन क्रिएट हो चुका है, हम इस पर डबल क्लिक करके सेम उसी तरीके से शट डाउन कर सकते हैं। और आप चाहो तो इसका आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाइए या शो मोर प्रॉपर्टीज पर जाकर भी आप कर सकते हो। तो हम इस पर शो मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में, चेंज आइकन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप कोई सा भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च का, ये शट डाउन का, जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करते हो और ब्राउज में जाकर अपना खुद का भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा जितना भी आप आइकन बनाओ बिट मैप में होना चाहिए तभी वो इसमें वर्क करेगा। तो इसे क्लोज करते हैं और यहाँ से हम इस वाले को, रेड वाले को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे, अप्लाई, ओके। यहाँ पर हमारा इसका आइकन चेंज हो चुका है, अब हम क्लिक करेंगे तो ये शट डाउन हो जाएगा आराम से। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर जिसके अंदर हम इसको सीएमडी की हेल्प से, तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की प्रेस करना होगा और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना होगा सीएमडी, टाइप करना, उसके बाद ओके हिट कर दीजिए। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा स्लाइड स्लाइड टू शट डाउन, स्लाइड टू शट डाउन आप टाइप करोगे, उसके बाद एंटर हिट करोगे, ये आपके पास कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, आप शट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, उसके लिए आपको नोट पैड को ओपन करना होगा, उसके लिए विंडो प्लस आर की प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आपको नोट पैड टाइप करना होगा, उसके बाद एंटर हिट कर दीजिए। अब आपके पास नोट पैड ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको सेम वही चीज टाइप करना है। .exe लगाना जरूरी है। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो उसमें अगर आप .exe भी नहीं लगाते फिर भी ये वर्क कर जाता है, बट विंडोज 11 में आपको .exe लगाना है, ये कंपलसरी है विंडोज 11 के लिए। तो उसका डेस्कटॉप हम सेव करेंगे, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर स्लाइड टू शट डाउन डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट बैट डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होगा, बैट लगाना जरूरी है, डॉट बैट। उसके बाद फिर से जाएंगे सेव एज पर क्लिक करेंगे और इस बार हम इसका नाम कर देंगे .cmd। उसके बाद सेव टाइप को ऑल फाइल्स पर करेंगे, सेव कर देंगे। अब दोनों आइकन यहां पर आ चुका है, इसे क्लोज कर देंगे और दोनों को यहां पर ले आएंगे। अब हम इस वाले पहले वाले को डबल क्लिक करके रन करते हैं और ये आ गया हमारे पास स्लाइड टू शट डाउन के लिए, और दूसरे वाले को भी रन करके चेक कर लेते हैं, देखिए सेम हमारा इसमें भी आ गया है। उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे, ये ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाएगा अगर आप स्लाइड टू ऊपर कर देते हो। अब अगले ट्रिक में आपको अपने विंडो से विंडो प्लस क्यू प्रेस करना है जिससे यह सर्च नेविगेशन ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा पावर सेल और यहाँ पर पावर टाइप करते ही पावर सेल के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होगा, जस्ट इतना इस इंटरफेस दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर टाइप करना होगा स्लाइड
slide2shutdown.exe उसका एंटर हिट कर दीजिए, आपका जो है वो शटडाउन होने के लिए आ जाएगा। बट आपको क्या ये पता है कि ये इस तरीके से इस कोड को डालने से ही ये ओपन क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि आपके इस सिस्टम वाले फोल्डर में, मैं आपको दिखा दूं, दिस पीसी के अंदर चलते हैं, सी ड्राइव, विंडोज, और यहां पर आप टाइप कीजिए slide2shutdown डाल के आपको सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करोगे slide2shutdown, आपके पास कुछ इस प्रकार से एक exe फाइल दिखेगा। ये exe फाइल की वजह से ही, जैसे हम कमांड लगाते हैं, वो इस exe फाइल को कॉल करके रन कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो कंप्यूटर पे slide2shutdown exe का एक सिस्टम शो करता है। अगर आप डायरेक्टली इसे भी रन करते हो, सेम आपको इसी प्रकार से देखने को मिल जाएगा। और आप चाहो तो इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, शो मोर प्रॉपर्टीज में जाइए आप, और यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर बता रहा है वी कांट क्रिएट शॉर्टकट हियर, वी वांट टू प्लेस द शॉर्टकट ऑन योर डेस्कटॉप, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा, ये शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पर प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो शॉर्टकट जो यहाँ पर प्लेस हुआ है। और जितनी बार भी हमने इसमें कमांड लगाया था slide2shutdown, वो जस्ट इसी exe फाइल को कॉल करके रन कर रहा था। तो इस बार मैं लास्ट में आपको इसे शट डाउन करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देख, जैसे मैं slide2shutdown करूंगा, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया इन्फॉर्मेशन गेन किया या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करे। और आप मुझे सभी सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हो, सभी के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।